मेरा नाम है असलम उरा, मैं वर्ल्ड कप फुटबॉल टीम की कैप्टन असलम उरा। मेरा जर्नी बचपन से स्टार्ट था, मैं बचपन से ही फुटबॉल खेला करती थी। मैं अपने पापा को देख के फुटबॉल खेलना स्टार्ट की थी। जब मैं 2016 में आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में ज्वाइन की, वहाँ मैं 4 साल से प्रैक्टिस की थी। फिर मैं 2019 में जब मैं इंडिया कैंप का जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा, तो हम लोग कैंप करने के लिए गोवा गए थे। गोवा में हम लोग कैंप किए थे। फिर हम लोग सबसे पहले हांगकॉन्ग के लिए गए थे खेलने के लिए, जो वर्ल्ड कप होने वाला था 2020 में, जो पोस्टपोन्ड होके अभी 2022 में हुआ है। उसके बीच लॉकडाउन के कारण हम लोग घर आना पड़ा, और हमारे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण धर्म सरकार ने हमें हेल्प की और हम लोगों को मदद की, जिसके कारण हम लोग गेस्ट हाउस में रुक के हम लोग का प्रैक्टिस, हमारे डाइट को ध्यान रखते हुए हमें सपोर्ट किए। फिर इसके बाद हमारा कैंप गवर्नमेंट सरकार के तरफ से ही हमारा कैंप जमशेदपुर में लगा, जो हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। हमें और ज़्यादा मोटिवेट मिल रहा था, क्योंकि हमारे झारखंड में कैंप लगा था, तो हमारा और मन कर रहा था हम लोग और मेहनत करें और हम सब बच्चों कैंप सिलेक्शन पाके हम अपने टीम का नेतृत्व कर सके, इंडिया टीम का। और फिर हमारा जब मैच हमारा उड़ीसा में हो रहा था भुवनेश्वर में, तो हम लोग काफ़ी हार्डवर्क किए थे, और हमारा पहला मैच यूएसए के अगेंस्ट था, और सेकेंड मैच मोरक्को के अगेंस्ट, और थर्ड मैच ब्राज़ील के अगेंस्ट। हम लोग उसके अगेंस्ट हारे, बट हमारे अंदर जो जज्बा था वो नहीं हारा था। हम लोग को और खेलने का मन था, बट हम लोग हार चुके थे, तो हम लोग मन से नहीं हारे थे। हम उनसे बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिला, हमें और किस चीज़ पर वर्क करना है और कॉन्फिडेंस के साथ खेलना है, तो हम लोग को ये सारी बातें सीखने के लिए मिला। और हम लोग आप सर, आपने हमारे पेरेंट्स को वहाँ मैच देखने के लिए भेजे, इसके लिए तो ज़्यादा हम लोग और एक्साइटेड थे, क्योंकि हमारे मैच लाइव मैच हमारे पेरेंट्स देख पाए, जिसके वजह आपने हमें ये मौका दिया। थैंक यू सर। और आप लोग से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग के अंदर जितने भी जुनून है, जो या तो पढ़ाई के क्षेत्र हो या तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र हो, आप लोग उसे निखारिए, ये नहीं कि दबा के रखिए। अगर आप उस चीज़ को निखारिएगा जिससे आपको स्टेज मिल पाएगा, और आप एक दिन अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। थैंक यू। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।